आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। आदमी छोटा हो या बड़ा उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो उसके बहुए से। इस हिर्रे को बंदूक में डाल। हेलो एंड वेलकम टू बॉलिंग ग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों इंडियन ओटीटी स्पेस में कई ऐसी वेब सीरीज है जिनमें अपराध और सियासत के गठजोड़ को तड़का मारकर दिखाया जाता है, मगर विशुद्ध सियासी सीरीज कम है। सोनी लिव की वेब सीरीज महारानी ने इस खाली जगह को कुछ हद तक बढ़ने की कोशिश की है। इस सीरीज का पहला सीजन काफी मशहूर हुआ था और अब दूसरा सीजन स्ट्रीम के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरीज का टीजर 2 हफ्ते पहले रिलीज किया गया था, महारानी के आने की सूचना दे दी गई थी। अब सोमवार को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, साथ ही ये कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी इसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हां, ये सीरीज आप लोगों को 25 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस पॉलिटिकल सीरीज का डायरेक्शन सुभाष कपूर ने किया है। सीरीज का पहला सीजन जब रिलीज हुआ था तो लोगों ने लीड कैरेक्टर यानी कि रानी भारती और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी में काफी समानताएं खींची थी, क्योंकि सीरीज 90 के दशक में बिहार में हुए सियासी उथल पुथल पर आधारित थी। हालांकि दूसरे सीजन में कहानी काफी बदल चुकी है और रानी भारती खुद को एक तेज तर्रार सियासत तंदा के अंदाज में नजर आई। वेल, सीरीज में रानी भारती यानी कि हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को काफी तारीफें मिली थी उनकी एक्टिंग की। मतलब सोशल मीडिया अपने ग्लैमर से होश उड़ाने वाली हुमा कुरैशी इस सीरीज में बहुत ही सिंपल अंदाज में नजर आई, साड़ी मांग में सिंदूर और कैरेक्टर काफी प्रभावशाली यानी कि इम्पैक्टफुल। पहले सीजन में पति के एक घोटाले में जेल जाने पर रानी को सीएम बना दिया जाता है। दूसरे सीजन में रानी भारती के सियासी सफर को धीरे धीरे कवर करती हुई दिखाई दी। रानी के पति यानी कि भीमा भारती के रोल में सोहम शाह नजर आए, जबकि विपक्ष के नेता के कैरेक्टर में नजर आए अमित सियाल। दोस्तों ये सीरीज बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है और सीजन 2 तो काफी खतरनाक होने वाला है। आप लोगों को जब भी टाइम मिलेगा एक बार तो जरूर इसे देखनी चाहिए। वेल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।